हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग सेहतमंद और बहुत अच्छे होंगे। आज मैं ग्रे हेयर के लिए एक ऐसी रेमेडी, एक ऐसी होममेड रेमेडी शेयर करने जा रही हूँ जो कि आपके किसी भी उम्र में सफेद हुए बालों को तुरंत से काला बनाएगी, बालों को मजबूत करेगी, बालों का झड़ना टूटना रोकेगी और आपके बालों से डैंड्रफ को हमेशा के लिए खत्म कर देगी। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की इस रेमेडी को बनाना। सबसे पहले आपको यहाँ पे 2 चम्मच कॉफी पाउडर ऐड करना है। तो मैंने यहाँ पे लिया है 2 सैशे नेस्कैफे। आप किसी भी ब्रांड की कॉफी ऐड कर सकते हैं इसमें। पाउडर बनाने के बाद आपको इसमें ऐड करना है 1 चम्मच कलौंजी पाउडर। इन्हें भी आपस में मिक्स कर लीजिए और इस तरीके से प्रेस करते हुए ताकि बिल्कुल फाइन पाउडर में ये हो जाएं दोनों। कॉफी और कलौंजी ये दोनों ही हमारे बालों के लिए सुपर नेचुरल तरीके से काम करते हैं। एक आपके बालों में कलर को इंक्रीज करता है, नेचुरल कलर को बढ़ाता है। दूसरा, आपके बालों से कलर को कहीं जाने नहीं देता, यानी कि लॉक कर लेते हैं। इसके अलावा ये आपके बालों को स्ट्रेंथ देने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए, मजबूत बनाने के लिए, हेयर फॉलिकल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए काफी ज्यादा अच्छे माने जाते हैं। इसके साथ साथ आपके बालों में जिस चीज की कमी की वजह से सफेद बाल होते हैं उनको ये भरपूर बूस्टअप करते हैं, यानी कि मेलामाइन और मेलानिन, इसे ये बूस्टअप करते हैं जिससे कि आपको सफेद बालों की समस्या नहीं होती है। इसके अलावा आपको कलौंजी का इस्तेमाल एक और तरीके से करना चाहिए। जैसे कि आपने हमेशा ये देखा है कि कलौंजी हमारे बालों को काला करती है, लंबा करती है, घना बनाती है, इसका एक ही पहलू आपने देखा है। दूसरा पहलू आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि कलौंजी को अगर आप बॉडी में इंटेक करते हैं, यानी कि इसे सेवन करते हैं, अपने डाइट में शामिल करते हैं, तो भी आपको बहुत ही ज्यादा बेहतर फायदे मिलेंगे। ये इतनी ज्यादा फायदेमंद होगी, सिर्फ आपके बालों के लिए नहीं, स्किन के लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है, और शरीर के लिए तो फायदेमंद होती ही है और बालों के लिए तो और भी ज्यादा फायदेमंद होती है। तो इसलिए कलौंजी को ना सिर्फ पेस्ट के तौर पे अपने बालों में लगाएं, बल्कि इसे इंटेक करें बॉडी में, ताकि आपकी पूरी जो बॉडी है वो भी तंदुरुस्त रहे और स्वस्थ रहे। आपको इसमें ऐड करना है कैम्फर ऑयल, यानी कि कपूर का तेल, जो कि एक हीलिंग प्रॉपर्टीज देता है स्कैल्प को, ट्रीट करता है डैंड्रफ को और बालों को इम्प्योरिटीज जो है, बालों की गंदगी जो है उनको डिटॉक्सिफाई करता है, आपके स्कैल्प को क्लीन, क्लियर, साफ सुथरा बनाता है, बालों को मजबूत करता है और बालों की हेल्थ के लिए कपूर का तेल बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। बालों को, स्कैल्प को हील करने के लिए नहीं, यानी ठंडा करने के लिए ही नहीं, बल्कि कैम्फर आपके बालों को इंटरनली भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनाती है। इसके साथ आपको इसमें ऐड करना है कोकोनट ऑयल, यानी कि नारियल का तेल। So, 2 से 3 चम्मच आपको यहाँ पे कोकोनट ऑयल ऐड करना है और इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। थोड़ा प्रेस करते हुए इसे मिक्स करें ताकि जो भी इसमें बड़े बड़े पार्टिकल्स कॉफी के रह गए हैं वो बिल्कुल फाइन पाउडर हो जाएं। और मिक्स करने के बाद कम से कम 5 मिनट तक इसे ऐसे ही छोड़ दीजिए परफेक्टली सेट होने के लिए, ताकि जितनी भी चीजें हमने इसमें ऐड की हैं वो आपस में मिक्सअप हो जाए। 5 मिनट इसे छोड़ने के बाद आपको इस ऑयल से अपने बालों की मसाज करनी है, स्कैल्प में, बालों में, ओवरऑल इसे लगाना है, अच्छे से मसाज करना है और छोड़ देना है रात भर के लिए, नेक्स्ट मॉर्निंग शैम्पू कर लेंगे। अच्छा और बेस्ट टाइम आपको बता रही हूँ बालों में ऑयलिंग करने का, जो कि रात का है, दिन का नहीं है। दिन में जब भी हम बाहर जाते हैं ऑयलिंग करके, तो पॉल्यूशन ज़्यादा से ज़्यादा हमारे बालों में चिपक जाती है और ये हमारे बालों
में डैंड्रफ को और ज़्यादा बढ़ने के लिए, इंक्रीज करने के लिए बढ़ावा देती है। तो रात में जब आप अपने बालों में ऑयलिंग करते हैं, मसाज करते हैं, तो इसका जो भी चीज़ हम एप्लीकेशन करते हैं उसका फ़ायदा हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिलता है। इसलिए मैं हमेशा आपको यही कहती हूँ कि ऑयलिंग जब भी करें तो हमेशा रात में करें, उसका और ज़्यादा फ़ायदा मिलने के लिए। तो आपको इसे ओवरनाइट लगाना है, नेक्स्ट मॉर्निंग शैम्पू कर लेना है, हफ्ते में 2 बार इस नेचुरल रेमेडी का इस्तेमाल ज़रूर करें, अपने सफ़ेद बालों को काला बनाने के लिए, अपने बालों को हेल्दी बनाने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए। और नेचुरल प्रॉपर्टीज से युक्त ये जो रेमेडी है वो आपके बालों को बहुत ज़्यादा मजबूती प्रदान करेगी, आपके बालों को बहुत ज़्यादा हेल्दी बनाएगी। सो आशा करती हूँ दोस्तों आज की रेमेडी आपको पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। चलिए फिर से मिलते हैं एक न्यू अनदर रेमेडी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए।